आज सैटरडे है और मैंने कल बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो जिस पे हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो स्टॉक का नेम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने और ये शॉर्ट टर्म ट्रेड बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है जिगजैग वे में, तो इस तरीके से अभी सेम उसी लेवल पे आके ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे हमें कितना पोटेंशियल गेन हमें देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पे भी बाय करते हैं मंडे वाले दिन, तो यहाँ से हमें एटलीस्ट 15% का गेन हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है। और अगर ये 16% 15% का गेन हम यहाँ पे लेते हैं, और जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हमें और 15% देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 30-35% का जो है वो ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी कहीं पे लेते हैं, तो जो हमारा रिस्क है सिर्फ 3.9% का है, लेकिन हमारा जो रिवॉर्ड है हम एटलीस्ट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, वो है ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास का। तो इस तरीके से ही हमें ट्रेड लेने चाहिए जहाँ पे हमें रिस्क हमारा थोड़ा सा हो लेकिन प्रॉफिट हमारा एटलीस्ट 1:2 हो, और स्टॉप लॉस के बिना तो काम करना ही नहीं है। स्टॉप मेरा ये है कि जब मार्केट आप स्टॉप लॉस, जैसे आपका ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल है, तो इस स्टॉप लॉस के नीचे 3.35 के अराउंड नीचे ट्रेड कर रहा है तो ही एग्जिट करेंगे, लेकिन अगर नीचे आके ये विक बना देता है 3.35 के नीचे टाइम के बाद ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, या फिर उस टाइम पे सिर्फ विक ही आपको दिख रही है लेकिन आपका ट्रेड नहीं नीचे हो रहा है, तो हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मार्केट देखो किस तरीके से यहाँ पे नीचे आया लेकिन ये गया है, फिर यहाँ पे रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में हम हमारा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। हम स्टॉप लॉस अभी लेंगे जब 3 या 3.5 को हमारा स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड हो रहा है वो स्टॉक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें बहुत ही अच्छा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जैसे ही मुझे कोई न्यू स्टॉक दिखता है जिसमें अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है। और इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही अच्छा फंडामेंटल स्टॉक भी है। इसमें इन्होंने अभी अभी काफ़ी सारे अपने डेट्स क्लियर किए हैं और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और इन जो नेट प्रॉफिट है इनका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाला बहुत ही अच्छा आने वाला है। मार्च के रिजल्ट के बाद हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी होने वाला है, और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इक्वली डिवाइड है FII, DII और प्रमोटर्स के बीच में, और पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, 13% के अराउंड ही है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक तेज़ी हमें अब देखने को मिलनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। मुझे जो यहाँ पे आता है मैं वही डिस्कस करता हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो चलिए।